नमस्कार, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कंडेंस मिल्क, जिसके लिए मैंने दूध लिया है। ये 1 पाव दूध है, 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा है, 300 ग्राम होगा। ये चीनी ली 1 बाउल, और ये मीठा सोडा लिया है मैंने इस कंडेंस मिल्क में डालने के लिए। आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसे हम गैस पर चढ़ा देंगे। गैस को मैंने ऑन कर दिया है, अब इस पर उबाला आने देंगे। गैस पे तेज आंच में मैं उबाल रही हूँ, ध्यान रखेंगे दूध बाहर ना निकले हमारा। दूध हमारा उबलना शुरू हो गया है। दूध को हम तेज आंच पे पकाएंगे इसे थोड़ा, ध्यान रखेंगे दूध बाहर ना निकले। दूध को हमने गाढ़ा करना है। दूध को हम चलाते रहेंगे दूध, ताकि नीचे ना गिरे बोल के। देखिए दूध हमारा बन रहा है, हल्के हल्के गाढ़ा हो रहा है। दूध के लिए आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं, फुल क्रीम या डबल टोन होता है जो, उसको भी ले सकते, उससे भी बन सकता है। मैं इसमें चीनी भी डाल दूंगी, चीनी भी हमारी साथ साथ चीनी है हमारी पक जाएगी थी दूध के साथ। दूध हमारा गाढ़ा हो रहा है धीरे धीरे, हम और गाढ़ा होने देंगे इसे। तो गाढ़ा हो रहा है हमारा, अभी गाढ़ा हो रहा है हमारा। दूध का हमारा कलर बदल गया चीनी डालने से, भाई येलो सा हो गया है। इसे अभी थोड़ा और पकाएंगे हम। हो गया हमारा, इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डालेंगे 2 पिंच। थोड़ी देर पकाएंगे और इतना झाग देंगे ऐसे। देखिए कंडेंस मिल्क हमारा बन चुका है। गैस हमने बंद कर दिए, अब इसको हल्का सा ठंडा होने पे मैं इसे बाउल में निकाल के दिखाऊंगी। यहाँ से गैस से नीचे उतार दिया, ठंडा हो जाएगा थोड़ा। अभी ठंडा हो रहा है हमारा, इस तरह से बन गया है। इस दूध को मैंने पहले उबाल के इसमें से मलाई निकाल दी थी, क्योंकि मलाई से ये साफ नहीं नजर आता। ये मैंने मदर डेयरी फुल क्रीम दूध से बनाया है। अब मैं इस कंडेंस मिल्क को इसमें निकाल दूंगी। देखिए इस तरह से गिरता है। कंडेंस मिल्क बनकर हमारा तैयार है। ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी इस रेसिपी को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।